दुमका जिले के एकमात्र पत्थर औद्योगिक क्षेत्र शिकारीपाड़ा अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है, जिसे प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल जिले के शिकारीपाड़ा अंचल क्षेत्र के हरिहरपुर गांव स्थित अशोक पांडे के अवैध पत्थर खदान में सुरंगी बारूद फटने से चर्चा का विषय बन गया। इस अवैध खदान में विस्फोट से एक पोकलेन मशीन एवं एक ड्रिल ट्रैक्टर का परखच्चा उड़ गया। चर्चा यह भी है कि बारूद के फटने से एक दो मजदूर की मौत भी हुई। हालांकि पुलिस ने मौत की खबर को फर्जी करार दिया, कहा कि पुलिस ने पूरे घटना का जायजा कर मामले की जानकारी ली है। इधर हरिहरपुर ग्राम प्रधान सुरेश मुर्मू ने पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय के समक्ष यह पुष्टि किया कि पत्थर खदान में उत्खनन कार्य 3 महीने से जारी था। इसकी जानकारी सीओ को भी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खदान में रोज की तरह पत्थर उत्खनन के लिए उपयोग किया गया बारूद के फटने से ही यह घटना घटी है, जबकि खदान दुमका रामपुरहाट NH-114A के किनारे है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय ने बताया कि घटना स्थल पर पकड़े गए पोकलेन मशीन एवं एक ड्रिल ट्रैक्टर को जब्त कर ग्राम प्रधान सुरेश मुर्मू को जिम्मे लिखा गया है। पश्चिम बंगाल का एक पत्थर माफिया अशोक पांडे का नाम सामने आया है, दूसरे भागीदारी का नाम भी चिन्हित कर उस पर मामला दर्ज किया जाना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यहां के आंचल अधिकारी इस मामले पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं। इस जमीन जब जमीन उनकी है तो फिर अवैध खदान कैसे महीनों से चल रही है। यही वजह है कि यहां सैकड़ों बंद खदान चोरी छुपे चालू कर दिए जाते हैं, जिसे प्रशासन और माफियाओं के बीच खुली चुनौती बनी हुई है। कैसे घटी है ये घटना? कल शाम से कुछ अफवाह सूचना मिल रही थी कि चितरगढ़िया में जो है कि किसी खदान में जो है कि ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो है कि एक मजदूर की मौत हो गई है। उस सूचना पर हम कल शाम को ही आए चितरगढ़िया में, सत्यापन किए चितरगढ़िया में, यहाँ कोई तरह के घाट नहीं हुआ, सत्यापन के कुछ नहीं मिला। फिर हरिपुर में भी गए, नहीं मिला। कल रात में हमको पता चला कि नहीं, ये हरिपुर पेट्रोल पंप के बगल में जो है कि उत्तर साइड में एक खदान है, जो अभी अशोक पांडे जो है कि चला रहा है, जो रामपुर हाट का है, अशोक पांडे उर्फ अशोक सिंह। तो उसके बाद हम जो है कि सुबह में ग्राम प्रधान से पता किए, ग्राम प्रधान बोला कि हाँ घटना घटी है, उसमें आदमी का कोई क्षति नहीं हुआ है। तो फिर जो है कि हम जो है कि सुबह में अभी आके इसका सत्यापन किए। ब्लास्ट हो गया 5 बजे? अच्छा, कैसे? मैं इसमें आदमी भी था क्या? आदमी सर नहीं था इसमें। है? नहीं था। रात में तो यहाँ नहीं रहता सर, आदमी नहीं रहता है। तो ये खदान चाल नहीं हुआ, खाली पॉपलेन उड़ा, कुछ भी हुआ है, लेकिन धमाका हुआ। उसके पहले जो मीटिंग किए थे सीओ मैडम, जो मीटिंग दी थी अस्था प्रधान को, जो दिया था कि उसके जमाबंदी में, उसके मतलब रैयत में कोई भी यदि खदान चलाता है इलीगल, तो उसकी सूचना देने के लिए। और जब ब्लास्ट, देखिए अवैध माइनिंग जो दुमका जिला के अंतर्गत जहां जहां हो रहा है, जैसे शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, गोपी कांदर, ये जो जगह है जो अवैध माइनिंग हो रही है, इसमें से किसी भी तरह का ऐसे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है जिसमें कार्रवाई करके बड़े पैमाने पर पत्थर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई किया जा सके है। पिनरगड़िया, सरसडंगाल, चिरूडी, ये घने आबादी वाली जगह में क्रेशर चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उसका हो रहा है, उससे डस्ट उड़ रहा है, जिससे ये लग रहा है नहीं।